हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बेक माई यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ सी आई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फ़िलअप प्रोसेस के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एफ़ की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जो कि डायरेक्टली आपके यहाँ आप पर निकल कर आ रही है नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस लिंक पर क्लिक करके सिंपली आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फ़िल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फ़िलअप करना होगा तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं रीड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही आपका जो भी डिटेल में नोटिफिकेशन है आप उसे रीड आउट कर सकते हैं उसके बाद आपको इस पोर्सन पर आ जाना है आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉग वाला सेशन अगर आपने पहले से ही आवेदन किया हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको फिल करना है उसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक करेंगे अदरवाइज़ यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिलअ कर रहे हैं तो आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है आप उसे रोटेट मोड में करेंगे उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइड

वो आपकी टेंथ के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपकी मैच होनी चाहिए उसके बाद आपका मिडिल नेम और फिर से आपका मिडिल नेम आपको कन्फर्म करना होगा कन्फर्म करने के बाद आपका लास्ट नेम और कन्फर्म लास्ट नेम आपको फ़िल करना है अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप लास्ट नेम भी फिल्प कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पर टेंट डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है और आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको कन्फर्म करना है कंफर्म करने के बाद अब आप आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको फ़िल करना होगा तो सबसे सब पहले आपका ईमेल आईडी का आपको डोमेन चूज़ करना है उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना होगा और यहाँ पर आपका जो भी कंफर्म ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर करेक्टली फ़िलअप करना होगा उसे आपको कम्प्लीटली फिलअप करना होगा फ़िलप करने के बाद ये सारी डिटेल का आपको अच्छे से चेकआउट करना है और इसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेवन एस्ट पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपका जो भी डिटेल है आपको अच्छे से चेकआउट करना है अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं तो आप कैंसिल करके उसे एडिट कर सकते हैं अदरवाइज आपको ओके पर क्लिक करना होगा जैसे यहाँ पर आप फिलअप करेंगे उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड है आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप इसे कॉपी करके रख सकते हैं अब उसके बाद आपका जो भी फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा तो जो भी आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड आपकी जानकारी है आप इस गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड आपकी गाइडलाइन है आप उसे चेक करेंगे उसके बाद आपको चूज पल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटोग्राफ है आप उसे अपलोड करेंगे अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना है तो जो भी आपका सिग्नेचर होगा वह आपका कैपिटल यानी कि ब्लॉक लेटर में आपका नहीं होना चाहिए उसको ही आपको अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद जो भी आपके फोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है इस चेकबॉक्स को आपको डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करना होगा तो सबसे पहले आपका जो भी जोन है आप किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपका जो भी पोस्ट है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको चूज करनी होगी तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपका जो भी पोस्ट कोड है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी वैकेंसी है ग्रुप सी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है तो उसकी जो भी पोस्ट कोड होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे उसके बाद आपका कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हैं तो आपको ये करना होगा अगर आप ये करते हैं तो जो भी आपका डिसेबिलिटी का टाइप होगा वो आपको चूज़ करना होगा तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं उसके बाद आपका जो भी डिसिप्लिन का टाइप होगा वो आपको देना होगा तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से जो भी आपकी जानकारी है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगी अगर आप नहीं हैं तो आपको नोपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी मांगी गई है जो कि आपको फिल करनी होगी तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि अगर आप डाइवर्स वुमेन हैं और अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा अदरवाइज़ आप नोपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप एक्सेस सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना होगा अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे और अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है एक्सेस सर्विसमैन है तो आपको यस करना है अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक करेंगे और दोस्तों तो तो ये जो आपकी जानकारी है इस तरह से आपको यहाँ पर देनी होगी उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप किसी भी डिफेंस सर्विस में पर्सनल है तो आपको यस करना है अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे रहें उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप एफ के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना होगा अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा उसकी जानकारी आपको देनी होगी उसके बाद आपसे कहा है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी रिलीजन है वो रिलीजन आपको चूज करना होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी नेशनलिटी है आपको यहाँ पर इंडियन चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन का सेंटर है उसकी डिटेल आपको देनी होगी तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको मैंसन करनी होगी यानी कि आपका जो फेज फर्स्ट होगा उसका जो एग्जामिनेशन का सेंटर है आप कहाँ पर लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको मैंसन करनी है और सेकेंड सेंटर में आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा जहाँ पर भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी एग्जामिनेशन का नेम है वो आपको देना होगा और यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी जानकारी आपको देनी होगी तो यहाँ पर आपका जो भी डे है वो आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद आपका मंथ सेलेक्ट करना है और आपका जो भी ईयर है वो ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर टोटल एज बनता है उसकी डिटेल आप देख पाएंगे अब आपका जो भी जेंडर है आप मेल है या फीमेल है उसकी जानकारी आपको देनी है और उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपके जुड़वा भाई बहन बने तो आपको एस करना होगा अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके जुड़ा हुआ बहन का जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा इस तरह से आपकी जानकारी आपको देनी होगी उसके बाद आपका मेरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी फादर का नेम है वो आपको फिल करना है फिल करने के बाद आपका मदर का नेम आपको देना है अगर आप मेरिड कैंडिडेट हैं तो जो भी आपका इस का नेम होगा वो आपको फ़िल करना होगा अब फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी एड्रेस की डिटेल है वो आपको फ़िल करनी होगी तो आपका जो भी कम्प्लीट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको देनी है और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नेम है वो आपको फिल करना होगा फ़िल करने के बाद दोस्तों जो भी आपका स्टेट है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको चूज़ करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको फिल करना है फ़िल करने के बाद अगर आपका प्रजेंट एड्रेस और आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है आपको सेम एज पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको नीचे आना है अगर आपका जी एड्रेस है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आपको पे करना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेड योर डिटेल पर क्लिक करना है और आपको सेवन एस्ट पर क्लिक करना होगा अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी एजुकेशन डिटेल है उसकी जानकारी आपको देनी होगी तो सबसे पहले आपका जो भी डिग्री का नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आपको फिल करना होगा किस डेट और ईयर को आपका जो भी एग्जामिनेशन का पास आउट है वो आपका यहाँ पर दिया गया है तो उसकी डिटेल आप फ़िलअप कर सकते हैं इस तरह से आपको चूज़ करनी होगी और जो भी आपके यहाँ पर परसेंटेज मार्क है वो आपको फिल करनी है और आपका जो भी क्लास है फिर आपका ग्रेड है उसकी जानकारी आपको देनी होगी देने के बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप उसकी भी जानकारी दे सकते हैं इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है

और उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो भी आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है अगर आपकी ऐसे वर्ड परमिट है तो आपको ये करना होगा और उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद जो भी आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल होगी वो आपको फिल करनी होगी तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो भी एम्प्लॉयर का नेम है वो आपको फिल करना है और आपका जो भी डेजिग्नेशन का नेम है वो आपको फिल करना है यानी कि प्रेजेंट में आप वर्किंग काम पर कर रहे हैं उसकी एंट्री आपको करनी है और आपका जो भी आपका टोटल पीरियड है उसकी जानकारी आपको देनी होगी उसके बाद आपका जो भी नेचर ऑफ ड्यूटी है वो आपको फिल करना है और आपका जो भी रीजन होगा लिविंग का वो आपको देना होगा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ये करना है अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद आपका जो भी लैंग्वेज नम है वो ऑप्शन आपको देना होगा यानी कि एक लैंग्वेज इनमें से आपको बोलना पढ़ना और लिखना कंप्लीटली आनी चाहिए तो इसकी जानकारी आप दे सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी जो भी जानकारी है वो आपको देनी है और आपको यहाँ पर जो ये चेकबुक्स दिखाई दे रहे हैं इसको आपको राइट टिक करना होगा इस तरह से आपको राइट टिक करने के बाद इसे आपको वैलिड करना होगा और उसके बाद आपको सेवन एस्ट पर क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगा वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद जो भी आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल होगी उसकी जानकारी आपको देनी होगी तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आपका जो भी यहाँ पर आपका यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर आप एन पोर्टल पर अप्लाई करना चाहते हैं उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अदरवाइज़ यहाँ पर आप जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है और आने के बाद अब आपको यहाँ आप पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर आपको ओके पर फिर से क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी लेफ्ट हेम इंप्रेशन है उसका जेपी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा तो आपको चूज पर पर क्लिक करना है और जो भी आपका जेपी है आप उसे अपलोड करेंगे अपलोड करने के बाद जो भी आपका हैंड रेट एंड डिक्लेरेशन है वो आपको अपलोड करना होगा तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसे आपको बाय हैंड लिखने के बाद इसका जो भी जेपी है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अपलोड करने के बाद आप इस सिक्योरिट कोड को एंटर करेंगे उसके बाद आपको सेवन एस्ट पर क्लिक करना होगा अब उसके बाद जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे प्रिंट कर पाएंगे डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपका पेमेंट लगता है तो जो भी आपका पेमेंट होगा वो आपको कन्फर्म करना होगा उसके बाद ही आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशान और मिस्टेक के तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको फॉरवर्ड कर दी है कि किस तरह से आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत